इंडियन रेलवे ने श्रमिक स्पेशल ट्रेनों को बंद करने के संकेत दिए हैं। दरअसल भारतीय रेल को राज्यों से 321 और श्रमिक स्पेशल ट्रेनों को चलाने का अनुरोध मिला है। ऐसी संभावना है कि रेलवे तुरंत ही सेवा को समाप्त करने का निर्णय ले। रेलवे का कहना है कि जब तक मांग रहेगी वह इन ट्रेनों को चलाएगा। रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष की ओर से 29 मई को राज्यों को भेजे गए पत्र में अनुरोध किया गया था कि वे अब भी लौटने को इच्छुक पंजीकृत प्रवासियों की अपनी सूची पर नजर दौड़ाएं और 30 मई तक ऐसी ट्रेनों की अपनी जरूरत सामने रखें ताकि ऐसी सेवाओं की योजना बनाई जा सके। तो वहीं न्यूज एजेंसी पीटीआई को सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक 30 मई तक रेलवे को 321 श्रमिक स्पेशल ट्रेनों की मांग प्राप्त हुई थी। रेलवे अब तक करीब 4000 ऐसी ट्रेनों से करीब 56 लाख प्रवासी मजदूरों और कामगारों को उनके घर पहुंचा चुका है, लेकिन अब इन ट्रेनों की मांग घट गई है। जानकारी के मुताबिक रेलवे से सिर्फ 321 ट्रेनों की नई मांग की गई है और इसमें ज्यादातर ट्रेनें पश्चिम बंगाल के लिए हैं। रोजाना औसतन 200 से अधिक श्रमिक स्पेशल ट्रेनें चला रहा इंडियन रेलवे 321 ट्रेनों की मांग को अगले 2 दिनों में पूरा करने की क्षमता रखता है। ऐसे में 2 दिनों के बाद श्रमिक स्पेशल ट्रेनें चलेंगी या नहीं, इसकी कोई जानकारी नहीं है। हालांकि रेलवे से राज्यों की तरफ से चरणबद्ध तरीके से ट्रेन भेजने की मांग की जा रही है। अधिकारियों के अनुसार रेलवे ने रविवार को केवल 69 श्रमिक स्पेशल ट्रेनें चलाई। रेलवे ने 1 मई से श्रमिक स्पेशल चलाना शुरू किया था। दोस्तों, आपकी इस बारे में क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर आपको ये न्यूज़ पसंद आई तो लाइक और शेयर करें। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ। डेली ट्रेंडिंग न्यूज़ की रिपोर्ट सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग न्यूज़ के लिए।